तो ये राज्य की सरकार की अपनी मानसिकता को देख लीजिए और राज्य की सरकार के उन पदाधिकारियों की मानसिकता को देख लीजिए कि अगर आप सवाल करते हैं उनसे तो आप फर्जी हो जाएंगे और उनका प्रचार प्रसार करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। अब जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों को चिन्हित करके बुलाया जाएगा, वो क्या करेंगे सरकार से सवाल? सरकार जो है वो अपने अनुसार अपने शुभचिंतक और अपने प्रशंसक तय करती है और अपने अनुसार ही अपने आलोचक और सवाल करने वाले लोगों को तय करती है। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक पत्र आया था जिस पत्र में इस बात का जिक्र था कि जो लोग आईपीआरडी में रजिस्टर्ड नहीं हैं और यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, पत्रकारिता के नाम पर पत्रकार बने हुए हैं, खबर चला रहे हैं, वो लोग फर्जी हैं और उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। और इस आधार पर कई और थानों में कई YouTube पर काम करने वाले पत्रकारों को नोटिस भी भेजा गया। ये सब आप लोगों ने देखा ही है। अब नया क्या है, हम ये बताने आए हैं। पहले तो वो पत्र, उसकी जानकारी आपको, उसको उस पर हम लोगों ने कई बातें रखी भी, किस तरीके से आज़ादी को छीनने की बात चल रही थी उस पर भी बात की। अब नया एक मसला आया है। नया मसला ये है कि सरकार ने, आप सोचिए कि एक सरकारी कागज कभी आपको फर्जी बना देता है और एक सरकारी कागज कभी आपको कितना बड़ा बता देता है, इसको हम समझाते हैं। एक पत्रांक संख्या JRHMS IEC BCC सेल 6/2023 SFWD 12/18 RCH दिनांक 15/5/2023 का है, झारखंड सरकार का है, झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति का है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। वहाँ से एक पत्र निकलता है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेषक डॉक्टर अनिल कुमार, राज्य नोडल पदाधिकारी IIC राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, सेवा में असैनिक सेल चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी IIC झारखंड रांची, विषय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार हेतु यूट्यूबर चिन्हित करने के संबंध में, महाशय महाशया निदेशानुसार अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के निदेश के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाना है। इस कार्य हेतु अपने जिले से वैसे यूट्यूबर चिन्हित किए जाना है जिनके फॉलोअर 10,000 से 1,00,000 से अधिक है। इस बात को याद रखिए कि 10,000 से 1,00,000 या उससे अधिक है। वैसे यूट्यूबरों की पहचान कर उनसे संपर्क स्थापित करते हुए उनके द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार कर IIC राज्य कोषांग को पत्र प्राप्ति के 1 सप्ताह के अंदर उनका पूरा डिटेल के साथ देना सुनिश्चित करें। इसे अति आवश्यक समझा जाए और नाम है, सिग्नेचर है, बाकी चीज़ें। अब इसको ऐसे समझिए कि जब सरकार को अपना प्रचार प्रसार करना है अपनी योजनाओं का, तो यूट्यूबर और यूट्यूब पर चलाए जा रहे चैनल्स की आवश्यकता है। और यही यूट्यूबर और यही यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले लोग जब सरकार के नीतियों के खिलाफ, जो गैर जिम्मेदारा नीतियाँ होंगी, जो सामाजिक या राज्य की व्यवस्था को बर्बाद करेगी, वो नीतियां जब होंगी और उस पर जब सवाल किया जाएगा, तो फिर इन्हीं यूट्यूबरों को फर्जी किया जाएगा। अब देखिए किन किन यूट्यूबरों का नाम है। विवेक शर्मा को इनसाइडर लाइव से हैं, श्वेतांक श्रीवास्तव रांची अपडेट न्यूज से हैं, कमलेश सिंह डिजिटल कमलेश लगातार मीडिया लाइव लगातार से हैं, अजीत कोंगारी झारखंडी बाबू ऑफिशियल से हैं, आशुतोष सिंह उनका अपना नाम है, आशुतोष आनंद भी हैं एक्सप्रेस न्यूज से हैं, विजय कुमार यानी बिजेरिया ब्लॉग। तो इन लोगों को चिन्हित किया गया है। रांची में 3, गुमला में 1, खूंटी में 1, लोहरदगा में 1, गोड्डा में 1, रामगढ़ में 1, इन लोगों को सूचित किया गया। अब इनमें से कई ऐसे हैं जो मीडिया संस्थान है, जैसे लगातार मीडिया संस्थान है, ये तो चलिए इम्पैनल है, एक्सप्रेस न्यूज जो है, इनसाइडर लाइव जो है, ये जो मीडिया संस्थान है ये IPRD में पैनल नहीं है।
तो इनको तो एक तरफ से सरकार फर्जी मानती है और दूसरी तरफ उनको प्रचार प्रसार करने के लिए कहती है और निमंत्रण भी देती है। अब सवाल यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि सरकारी स्याही जिस दिन हमारी कलम में भर दिया जाएगा या सरकार अपनी स्याही को हमारी कलम में भरना चाहती है इसीलिए हमको फर्जी बताती है, नहीं तो हमसे तो प्रचार प्रसार करवाती है। यूट्यूब पर काम करने वाले, पत्रकारिता पर काम करने वाले लोगों से प्रचार प्रसार करवाती है। तो ये राज्य की सरकार की अपनी मानसिकता को देख लीजिए और राज्य की सरकार के उन पदाधिकारियों की मानसिकता को देख लीजिए कि अगर आप सवाल करते हैं उनसे तो आप फर्जी हो जाएंगे और उनका प्रचार प्रसार करिएगा तो आपको पैसा मिलेगा। अब जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों को चिन्हित करके बुलाया जाएगा, वो क्या करेंगे सरकार से सवाल? वो तो प्रचार प्रसार करेंगे। योजना का धरातल पर काम हो नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को, ये तो सिर्फ पैसा लेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि आशुतोष सिंह नाम का एक व्यक्ति है लोहरदगा का, उसका अकाउंट भी हस्तो सिंह के नाम से, उसका 8015 सब्सक्राइबर है मात्र, उसको भी दे दिया गया है। एक तरफ लिखती है कि जिसका 10,000 से 1,00,000 और 1,00,000 से अधिक हो उसको दिया जाएगा, तो आखिर ये 8,000 वाले आशुतोष सिंह को कैसे मिल रहा है? ये आज ही बैठक है, इसको कैसे चिन्हित किया गया? और दूसरा बात, चिन्हित करने का प्रक्रिया क्या था? ये सवाल बड़ा है कि कैसे कैसे यूट्यूब चैनलों को इसमें जगह देना है, उसका प्रक्रिया क्या था, किनको चिन्हित करके लाना, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं थी। सेटिंग है, तामझाम है, परिचय है तो आप करा सकते हैं, यही एक प्रक्रिया इसमें नजर आती है, क्योंकि कहीं भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें यह तय किया हो कि आप इसमें ऐसे आवेदन कर सकते हैं। कोई होगा नोटिफिकेशन तो देखा जाए, लेकिन अभी तक मेरे पास जितने नोटिफिकेशन आए हैं उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं। तो हम फिर से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि सरकार गुलाम चाहती है, जो सरकार की चाटुकारिता गुलामी करेगा उसको पैसा मिलेगा, उसको विज्ञापन दिया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, चाहे वो YouTube पर काम करने वाले हों, चाहे इन पैनल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां आप सवाल करिएगा सरकार से, वहीं आपको फर्जी बोला जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप पर एक्सटोर्शन का आरोप लगेगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भेजा जाएगा, धाराएँ गिनाई जाएंगी। तो ये लोग अगर किसी से रंगदारी मांगते हैं तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होगी? यही बात तो हम बार बार कह रहे थे कि स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सटॉर्शन शब्द का जिक्र करना ये जानबूझकर डराने जैसा था। और ये बात मनोज रचन चौथे जो एसपी है उनको समझा दिया जाए किसी के द्वारा। बाकी यही खबर थी कि एक तरफ सरकार यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों को फर्जी भी बताती है और दूसरी तरफ बुलाती भी है कि आप मेरा प्रचार कर दीजिए, आपको पैसा दिया जाए। समझ गए सरकार का दोहरा चरित्र, सरकार का दोहरा चेहरा। बाकी मिलते हैं किसी और खबर पर। ऐसे आप क्या समझते हैं कमेंट पर जरूर बताइएगा इस मसले पर, और आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, वहाँ तक पहुँचाइए। जुहार।